Everywhere. They recognize you. For example, puncture हो गया, टायर वाले पास पहुंचे, रिबन चार्ट. अभी तक even Turkish. अभी भी. बड़ा आपको brother, they take us as brothers and. Recently, Mayra गई थी कहने लगी वही जाने वाली जगह. One place you still have respect and regard. Wow. Do you mind asking ki aap how old are you? I'm 67 mein aap 74. 74, wow. And you seems like adventure apne badi young age mein you started traveling. Wow. Another adventure. Mujhe aapka wo boat ka delta mein utarne wala adventure I just heard that. That's quite an amazing thing, sir. Really. पूरा इंडस डेल्टा ना सी में उतरे हैं सवा वे डिड इट स्टार्टेड एक्चुअली हम दरबंद एक जगह दरबंद व्हिच इज अपस्ट्रीम ऑफ तरबेला ओके ऑफ कोर्स यू पोर्टेड द बोट डाउन ओके तरबेला ऑनवर्ड्स बेसिकली एवरी ब्रांच सिर्फ दो ब्रांच में यू गेट फाइव ब्रांचेस ऑन द वे पर देन यू कैन ओके हां टू में बोट लॉक वाज वर्किंग कितने डेज लगे आपको इसको करने में बोट ट्रिप फाइव वीक्स और वो बोट क्या कस्टमाइज थी या यू जस्ट परचेज दैट इट वाज कस्टमाइज इन द सेंस इट वाज मेड एक कंपनी होती थी जैमरॉक इन लाहौर ओके तो दे वर द ओनली वन एक एग्जीबिशन थी वहाँ पे उन्होंने एक बोट रखी थी हमने कहा हमारा ये ट्रिप है तो ये बोट चाहिए उन्होंने कहा नहीं ये बोट नहीं हम आपको बना के देंगे सेम थिंग बट रियली रीइंफोर्स्ड एंड हैवी उनको ये था क्योंकि उस ज़माने में कि ये टीवी पे आएगा अपनी टीवी होता था अखबार अखबार में आएगा तो हमारी किश्ती की मशहूर प्रमोशन हो जाएगी दे मेड इट रियली हैवी एंड स्टफ वो अभी तक है मेरे पास अभी तक है अच्छा शी यूजेस इट अ लॉट अच्छा यू डू हां टू गो टू द मैंग्रोव या तो उसका बड़ा शैलो वो है अच्छा सो इट्स लाइक अ रिवर बोट और अ लेक बोट अच्छा तो उस पे हम आए थे नेशनल ज्योग्राफिक टीम ट्राइड इट और एवरीबॉडी डाइड बिकॉज़ अटक से पहले रिवर ऐसा है जिसमें जैगेड रॉक्स हैं लाइक सॉल्ट कोई तो निकला यू कैन सी समर 2 inches बिलो द वाटर और 3 inches डिपेंडिंग ऑन द टाइप तो यू कम ऑन अ रबर बोट इट्स स्ट्रेट बेशक आपने हेलमेट हेलमेट पहने देन यू गेट स्ट्रेट Thank you.
आसिम को लेके आते तो क्या होता? क्या मुश्किल, गाड़ी में तो बैठ के आ जाता, उधर मुश्किल हो जाता है ना, सांस नहीं आ रहा। शाबाश शाबाश, सारी थैली में जमा करो, चाह खड़ी आयो चाह खड़ी और तोड़ काम है, तोड़ दे सारा जंगल खत्म कर दे। आगे मुझे फुल थैली फुल चाहिए, मैं नहीं जानता जोर से कह रहे थे कि छोड़ दे। बस हम चिपरसन वैली से सुस की तरफ जा रहे हैं और एक जगह जगह यहाँ पे जो गांव हैं तो ऐसे बहुत ही प्यारे से जंगल आते हैं। ये जो है ये सीबक थॉर्न है, इसका जैम भी बनता है और इसके बहुत सारे फवायद हैं। ऐसी ये बेरीज होती हैं, ये खा भी सकते हैं, अभी हमने खाई नहीं है, बहुत जूसी है, खट्टी है, शायद राइप नहीं है, पेट ना ख़राब हो जाए। उसके अलावा यहाँ पे एक बुश में रोज़ हिप्स भी थे, घर जाके इसकी हम चाय बनाएंगे, यहाँ पे भी हैं।
इधर कांटों से बचते बचते मैं जंगल के अंदर जा रही हूँ, ब्लू की जगह ढूंढनी है। दिस इज रियली लवली। I got to find me a loo place. This seems to be good. देख लिया आपने? क्या था? विट्स। अच्छा, बड़ा ग्रीन और फ्लैट, बड़ा अच्छा विलेज है। अलैकुम। इस विलेज का नाम क्या है? इस विलेज का नाम? हाँ, नूराबाद।
बैठा होगा। अच्छा डिटूर हो गया है? सेम लेन पे कोई पत्ती पड़ा तो अच्छा हो। तो ना यहाँ से तो साफ पता चलता है कि रास्ता ऊपर है, वहां से नहीं पता चलता। आ रही है? कितनी दूर है? दूर है अभी, दूर है। कितनी दूर है? वो दरख जो है बाबा करीब है, उसको बोलो गाड़ी आ रही है। शोएब आगे से गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है आगे से, तो जगह बना लो। गया तो कितने आ गए हम? 20 किलोमीटर। सड़क देखते हुए आ रहे थे ये लोग। तुम आगे से देखना बस कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, मेरी आंखें सड़क पे हैं।
टीडक भी आ रही है, टीडक से गाइड करना पड़ेगा। इधर बहुत जगह है, थोड़ा बस नहीं ये पीछे जगह है। नदी ना जाए सड़क को, ये अब प्लेंटी जगह है। बॉयज ट्रक आ रही है, ख्याल करो। हाँ हमने गाड़ी साइड में खड़ी कर दी है। अबे क्या बोला था मैंने, गाड़ी ना आ जाए। ये वही लड़के थे जो घास लेके जा रहे थे नीचे, हाँ जिनसे हमने पूछा था। मैं समझा वो शुरू में ग्रीनरी नजर आ रही है ना, मैं बस इधर से ला रहा हूँ। इसका व्यू इसमें भी आ गया। कर तो सकते हैं इसमें कैंपिंग, लेकिन यहाँ पे फिर आपको ऐसी खुली जगह डर लगे, यहाँ तो यहाँ जानवर कौन से हैं, क्या है क्या नहीं। भाई ये जगह भी तो ऐसी है, ठीक ठाक सब सही। हाँ शुक्रिया हमारे रोकने का, हमारे लिए एक गाड़ी और गाड़ी आ रहा ऊपर से। थैंक यू। आसिम आ जाते क्या? मैं अपनी गाड़ी चला लूंगा। नहीं इधर आसिम को है? आसिम को अपनी गाड़ी में जा, मुश्किल हो, मुश्किल होती है मतलब। तो पता नहीं ना चलता कि कितनी है सड़क, अभी तो पता है ना।
दरिया देख लें कितना नीचे है। आसिम जो है ना वो हो गए आसिम अंकल। बहुत उनका तो हार्ट वही फेल हो जाता है जब जहाँ पे कार से निकले थे वो जो कटा हुआ था है ना, काफी खतरनाक था। मैं तो सच में था ना बीच में तड़ाड़ भी पड़ी। अच्छा ही किया हुआ, हमें सिगरेट नहीं पीने दे रही। हाँ है ना, ताजी हवा खा, ताजी हवा। चलिए ये है उसके यहाँ पे वो जो अपने बाबा बुद्धी थे ना, हाँ वो यहाँ पे उसके यहाँ उसने रेस्ट किया था। ये है उसका लव एंगल देखें। ये बाबा गुंडी का पहला स्टॉप था ना जहाँ उन्होंने रेस्ट किया था, फिर वो आगे गए। ये पहला स्टॉप। इनफैक्ट अगर कोई कैफे बनाए इधर या रोड साइड वो तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ये अंदर से भी ये फिनिश। थोड़ा सा मक्खन लगा रहा हूँ, मूड खराब हो जाता है ना कभी कभी। किनका खराब? मेरा। मेरा खराब होता है तुम्हारा तो। मैं जो सर्दी में गाड़ियों के अंदर दोनों बंद फुल फेस है ना। आसिम साहब होते फिर तो और मजा आता। ये आसिम साहब कह रहे थे मैं गाड़ी खुद चला के ला रहा हूं, उनको उठा के ले जाना पड़ता है यहाँ से। ये वो आसान काम छोड़ी है यहाँ गाड़ी चलाना है ऊपर से। अभी दुआ करें आगे से कुछ ना आए, फॉरन ही ट्रक आ गया। अब कर लो को। चल भाई ड्रैगन आ जाएगा। चलो यार चलो, इनसे पूछना ड्रैगन को इनकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वो पीछे लिखेंगे यहाँ लिखेंगे सामने। सात मुंह वाला क्लिप यहाँ लगा हुआ है। गिफ्ट फ्रॉम आलम जान ना। अभी एक नकीना लेके ना उसको मेरी जो टोपी में बाल लगे हुए ना उसमें लपेट के ना मणिपुर एक साइड लेगा। अच्छा ओपन जाए रो पंजाब। इसमें तो आप बहुत कॉपर है, कॉपर अब्बा के लिए कॉफी इसमें डाल के। हाँ बिल्कुल।
फोटो शूट्स चल रही हैं। हम सुस की तरफ रवाना है, चिपरसन वैली तकरीबन हम एग्जिट कर चुके हैं। तो हमारा प्लान है कि गुलखिन में खाना बदोश कैफ़े पे हम बम्बार्ट कॉफ़ी पियेंगे और पैनकेक खाएंगे, स्नैक करेंगे। हम शिगर में भी गए थे उनके पास, तो अब हम वहाँ से गुजर ही रहे हैं, तो दोबारा उनसे मिल लेंगे। और पीछे लिटिल पामीर्स की क्या सीनरी चल रही है। सही दाम बताओ कि 4-5 सीटें लूँगा। सर 80 रुपये नहीं पड़ता ना, आपको पता नहीं चलेगा। अभी आप बैठेंगे, हमारे पास टेबल है स्कूल का, हम सिर्फ एक ग्रीन टी पिलाते हैं और कुछ भी नहीं। नहीं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। वो आ गए, अगर हमारा जानने वाला वो वोट करना है, वोट करना है। और ये क्या वोट छोड़ो, वो कराची में छोड़ समंदर कम है, पता नहीं वो कौन सी लोग करवा रहे जी। दरिया नहीं है ना, समंदर पहुंचे उधर। इंडस इंडस पे फिर रहे ना, इंडस थोड़ी हो गया। इंडस आप खुद ही बना लो, कटाई करवाते हैं, कटाई करवाते हैं। और आप गए हैं हमारे मेंबर के साथ, पैसा सर एक दो एक छः सौ रुपये बस लेवर वाली लेडीज भी पीती हैं। आंटी को ले दो ना सर। ओ जेब ट्रैवल्स वाला इधर भी है।
जिसको मैं जानता हूँ मेरा मरीज है। जितने हैं ना मेरे रमान अलबी मुबाशिर इकराम और जितने उसका हाथ बड़ा उसका हाथ पे बड़ा शफा है। मेरा ऑपरेट कराया और लास्ट टाइम मेरा बच्चे उसका ऊपर के अंदर उसने ऑपरेट किया। इतना साफ सुथरा ऑपरेट करवाया ना और कम पैसों में। गुड आदमी इधर तो तकरीबन मेरे 1.5 लाख रुपए गए और मेरा इन्होंने गला भी खराब करा दिया गिलगित में हुंजा में। हर एक ने अपना मर्जी से मेडिसिन दिया डोज दिया ये बीमारी है वो है उधर गए तो 85,000। अभी जब भी कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन करो मैं करवाऊँगा वहाँ। ये सारे मेरे जानने वाले हैं। मैं 35 साल से हूँ वहाँ। कितना 4 दफा आगा खान ने मेरे से हाथ मिलाया है। बहुत बहुत लकी हूँ मैं। पहले मैं था मेरी गाड़ी थी काली थी। अब गोरी क्यों कर दी? अभी गोरी हो गई। कह रहे दाढ़ी गोरी क्यों की गई? ये दाढ़ी गोरी करनी है ना इसकी वजह से वीजा है ये। जहाँ भी चले जाओ ना वो कोई रोकता नहीं। सफेद दाढ़ी लंबे बाल कोई नहीं रोकता। वो तो ये अपना ही जैसा है कहाँ से आया। नवंबर दिसंबर में ना आइबेक्स सारे नीचे आ जाते हैं। ऊपर बर्फबारी होती है ना। यहाँ तो सारे होटल वोटल बंद हो जाते हैं। नहीं मतलब उनके लिए ऐसे भी नहीं है कि पूरा बंद हो जाता है। फोर व्हील इस तरह के यहाँ की गाड़ियाँ चलती हैं। चेन लगती है ना यहाँ पे जो है ना। हमारे पास कोयला का बंदोबस्त होता है। 24 आवर्स बिजली है। चश्मे का पानी है। कोई इशू नहीं है। सिर्फ बर्फ होती है बस। यहाँ पे डेढ़ फीट की खड़ी बंदा रिलैक्स होकर रोज जाता है। जरूर दुकानें सब तस्वीरें खींचो तस्वीरें बनाओ वो आपके लिए कर दूँगा व्हाट्सअप। ठीक है हाँ। और मरखोर जो खेतों में होंगे उनका मैं व्हाट्सअप करूँगा। ये जो खेतों में होंगे ना मैं उसको व्हाट्सअप करूँगा। गुड है ना। स्पेशल वो एप्पल खाते हैं आके एप्पल और पत्तियाँ अभी आदि हो गई वो यहाँ पे। 30 साल से कंजर्वेशन है सर। 30 साल से ये कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन एरिया है। एंटी ग्राउंड नहीं है। चलो सी यू गाइस। ओके सर। लास्ट वन कीप इन टच। आप कुछ पूछ रहे हैं? बैठे बैठे आप मुंह इस तरफ कर ले यार। हमारी तरफ कर ले ना। आप इधर जा रहे हैं अगर आप गुलखन आए और आपने खाना बदोश वो कैफ़े में कॉफ़ी नहीं पी और पैनकेक नहीं खाए तो आप गुलखन आए थे। थोड़ी सी कीचड़ का पैच क्रॉस करना पड़ा। अब हम रवान दवा हैं। हम कॉफ़ी पीने वाले खाना बदोश हैं। ओ यही है साइन बोर्ड लगा हुआ है। कहाँ है? तो बंद है। नहीं नहीं बंद नहीं होगा। बंद है भैया रहते ही इधर है। ऐसे जगह ढूंढ लेते ये आ जाएगा पत्ता उनका। पीछे होंगे ऑर्डर प्लेस करो। डबल टच
जाएगा थोड़ी देर में, हमारा कॉफी तैयार हो जाएगा। कांटा छुरी हो गया? हाँ जी सर, ये रखो। थैंक यू। आई खींची? नहीं 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 इसमें से निकल नहीं गया। जमीन डाल के दोनों चलो भाई। नाइस से सिर्फ डालना था ना? डाला है ना डालना ना। चीनी नहीं है, गुर है। अगर हम कल जाते हैं यहाँ से गुलमीत से हुंजा, हुंजा में रात रुकते हैं, ठीक है, उससे अगले दिन जाते हैं हम हुंजा से गिलगित। गिलगित कितना फासला? 90 किलोमीटर। 5 घंटे तो मतलब 5 घंटे? 90 किलोमीटर भाई। अबे भाई 3 घंटे में किया था हमने। फोर्ट वोर्ट देख के रात हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो हम वहीं करीमाबाद में रुक जाते हैं। जाते हुए ना? अभी कल। अभी कल 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 फिर परसों हम जाते हैं गिलगित। हाँ ठीक है ना, आराम से उठेंगे, आराम से गिलगित पहुंच जाएंगे। गिलगित में हम रुकते हैं एक दिन, फिर गिलगित से जाते हैं इस्लामाबाद। नहीं, गिलगित से अगर हम एक रात, अगर हम गिलगित में मिसाल के तौर पर पहुंच गए, फिर दूसरे दिन सुबह हम इस्लामाबाद के लिए निकलना होगा, तो वही बोल रहा हूँ। फिर तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, एक दिन हम रुकते हैं गिलगित, तो 2 नाइट्स हो गया ना, तो वही तो कह रहा हूँ। हाँ 2 नाइट्स ये, 1 नाइट ये, 3 रातें हो गई। हाँ फिर से करूँ तो करीमाबाद क्यों नहीं रुक जाते? तो करीमाबाद है ना, तुम सुन नहीं रही हो? सुन रही हूँ। नहीं तुम नहीं सुन रही हो, तुम कैमरे में देख रही हो। कल हम यहाँ से गए करीमाबाद, ठीक है, रुक गए वहाँ, ठीक है ठीक है। उससे अगले दिन हम गए गिलगित, रुक गए वहाँ, 2 रातें हो गई। एक मिनट, फिर हमने गिलगित में रात गुजारी एक और, तो 3 रातें हो गई। फिर उसके बाद हम गए इस्लामाबाद, 4 रातें हो गई। इस्लामाबाद में एक दिन रुक गए, तो फिर 5 रातें हो गई। एक मिनट, 2 रातें, 1 मिनट, 8 रातें हैं हमारे पास, 5 रातें हो गई। 8 रातें यानी कि 2 नाइट्स इस्लामाबाद, 2 नाइट्स हमारी हो गई गिलगित, 1 नाइट हो गई हुंजा, 5 नाइट्स हो गई। फिर उससे अगले दिन, एक दिन हम पूरा दिन रुक जाते हैं इस्लामाबाद के अंदर, उससे अगले दिन हम निकलते हैं सादिकाबाद, तो 6 नाइट्स हो गई कराची, तो एक दिन हमारे पास स्पेयर बचता है। 7 नाइट्स हो गई, हमारा जो ओरिजिनल प्लान था उससे हमारे एक स्पेयर दिन बचता है। फिर भी आई वुड टू स्पेंड इट इन करीमाबाद, सो वी शुड स्पेंड टुमारो नाइट इन करीमाबाद एंड अनदर नाइट। नो यू कांट स्पेंड अनदर नाइट देयर, यू सेड वी हैव एन एक्स्ट्रा डे, तो एक व्हाट वुड यू डू इन करीमाबाद? एक मिनट, इसमें हम एक यूरोप यू अगर हम जैसे एक दिन एक फोर्ट देखें, अगले दिन एक फोर्ट, रिलैक्स एंजॉय, घूम सकते हैं हुंजा हम। इसमें एक अगर हम इस्लामाबाद में जैसे हम मिसाल के तौर पर रह रहे हैं, तो हम उसमें जो है ना पेशावर भी कर सकते हैं, वो एक दिन है हमारे पास। हाँ तो वो हम पेशावर कर सकते हैं, उसमें कर लें पुलाव खा के आ जाते हैं। इतना क्लोज भाई वो इतना क्लोज नहीं है ना, नहीं नहीं 3 रातें हो गए ना इस्लामाबाद में। हाँ ये कह रहा हूँ, अगर हम 2 दिन भी रुकते हैं ना इस्लामाबाद में, तब भी हम कराची डेट पे पहुंचे, डेट पे पहुंचे, तो आप पेशावर सुबह शाम कर लेना डे ट्रिप। वही तो कह रहे हैं, तो आप आधे दिन में तो नहीं कर सकते ना? क्या पेशावर? नहीं पूरे दिन नहीं करेंगे ना, एक ही दिन में आप इस्लामाबाद में आप अपना। अब आप फिर से सुने। नहीं मैं सुन रहा हूँ आपकी। नहीं आप नहीं सुन रहे ना, चलें आप सुनाए। इस्लामाबाद में हम 2-3 रातें रुक सकते हैं, उसमें हम एक एक दिन पूरा पेशावर में भी लगा सकते हैं, ये बात कह रहे हैं डॉक। समझ गए, तो क्योंकि आज 12 तारीख है, ये 12 है, 1, 2
कल से अगर हम काउंट करें, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ दिन है हमारे पास, एट डेज। उनको रातें कितनी है? सात। अब ये नहीं मुझे पता, मैं दिनों की बात कर रहा हूँ, रातें तुम हिसाब लगाओ, हो सकता है नौ होंगी। नौ भी हो सकती हैं यार, अभी सामने सामने पड़ रही है। वन नाइट यहाँ से जाते हैं हम, अगर कल अगर हम हुंजा जाते हैं, हुंजा करीनाबाद, ठीक है, एक राइड हो गई और फिर उसके बाद आ गई टू नाइट्स। नहीं नहीं, एक मिनट, एक नाइट आ गई सीधी सीधी, एक रात है हुंजा और दूसरी दो रातें हैं गिलगित, तीन रातें हो गई हैं, और फिर चौथी और पांचवी रात जो है वो इस्लामाबाद की है, उसमें हम एक दिन और बढ़ा के हम पेशावर भी हो सकते हैं, तो हमारी नाइट सारे। तो कल रात को हम जाते हैं करीमाबाद, रुक जाएंगे। हाँ, तो ये होगा कि अगले दिन गिलगित के लिए जाएं। अगले दिन हम दोपहर को निकलते हैं गिलगित के लिए। हाँ, सुबह एक अल्तित फोर्ट कर लें। सुबह को अल्तित फोर्ट करके हम गिलगित, फिर गिलगित के लिए निकल जाएंगे, तो हम शाम तक पहुंच जाएंगे। हम कल क्या करेंगे? कल फिर वहीं घूम फिर के, तू कल हम करीमाबाद जाएंगे ना। अल्तित कहाँ है वो फोर्ट? करीमाबाद। तो कल नहीं घूमेंगे? मेरी बात सुनो, दो फोर्ट्स हैं वहाँ, बाजार भी है, फोर्ट भी है, और ये दो फोर्ट्स हैं, एक फोर्ट का दो घंटे का टूर है, एक फोर्ट का दो घंटे का टूर है, ठीक है, दूसरे फोर्ट का चार घंटे हो गए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से निकल के हुंजा में एक ही रात रुकते हैं तो वो आपको दिन दिन में करना पड़ेगा। यहाँ से कितना है करीमाबाद? यहाँ से तो 45 मिनट है। 45 मिनट करीमाबाद हो गया, तो अगर हम सुबह 10 बजे भी यहाँ से निकलते हैं? नहीं, 10 बजे बोट भी तो करनी है। 10 बजे बोटिंग नहीं करनी आपने? 12 1 बजे तक निकलेंगे हम यहाँ से, फिर 1 बज गए समझो, एक काम मेरी समझ में आ रहा है। 2 बजे हम करीमाबाद पहुँच गए, दो बजे करीमाबाद पहुंच गए, अब आगे लगाएं चार घंटे, पांच घंटे लगा लें आप, कितने हो गए? सुन लो, एक मिनट यार, बोल लूं? बोलो। दो बजे से पांच सात घंटे, सात बज गए, करीमाबाद में रुक जाएं, ठीक है, दोनों फोर्ट आपने देख लिए, सुबह आप निकलेंगे गिलगित के लिए। नहीं, एक मिनट, नहीं, आपने सिर्फ फोर्ट नहीं घूमने, हुंजा की मार्केट भी घूमनी है। वो घूम लोगे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो ये लगा नहीं रहा उसके टाइम, तो टाइम है ना रात तो में घूम लेना, तो हम देर तक रुक सकते हैं ना वहाँ। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, एक रात ही रुकनी है ना। हाँ, बात तो वही है ना, एक ही रात रुकनी है। अब करीमाबाद से गिलगित छह घंटे? तीन घंटे। तीन, तो तीन घंटे में हम गिलगित पहुंच गए, तो दोपहर को निकलेंगे गिलगित में, वैसे हुंजा से करीमाबाद से दोपहर को निकलेंगे, शाम में आप गिलगित, तो आपके पास वो सुबह का टाइम होगा ना, तो आप एक बजे निकले, दो बजे निकले, तीन बजे निकले, आप फिर भी गिलगित पहुंच सकते हैं शाम को। आप समझ गए, तो वो आधा दिन 3/4 डे आपको मिलेगा करीमाबाद में, तो जो आपने नहीं किया हुआ होगा कल वो आप परसों कर सकते, परसों कर सकते। फिर आप निकले गिलगित के लिए, फिर गिलगित में हम पहुंचे रात को, अगला दिन पूरा दिन गिलगित में, ठीक है, उससे अगले दिन निकले इस्लामाबाद। बिल्कुल, इस्लामाबाद आप पहुंच जाएंगे। पूरा दिन क्यों गिलगित में एक रहना चाहते हैं? गाड़ियां चेक करनी है हमने, उसको सर्विस कराना है, वो तेल पानी ये वो नीचे घुस, इस्लामाबाद की बहुत लंबी ड्राइव है, गिलगित से इस्लामाबाद बहुत लंबी ड्राइव है, ठीक है। और तो वो सुबह हमें जल्दी निकलना भी होगा, सुबह को जल्दी निकलना होगा हमें। यस, तो जल्दी जब भी निकल सकते हैं कि गिलगित में रेस्ट करके गाड़ियां फिट करके सब पैक वैक रेडी, बिल्कुल, किस वक्त निकलना होगा? सुबह को निकलेंगे 8-9 बजे। 9 बजे, हाँ, तो रात को पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। फिर इस्लामाबाद में हमारे पास दो दिन है, वो हम दो दिन है, एक दिन आप क्या कहते हैं ये कर सकते हैं अल्ट्रम पल्ट्रम जो आपने करना है वहाँ, नेक्स्ट डे आप पिशावर से होके आ सकते हैं वापस। पिशावर कितनी देर का रास्ता है? 2 घंटे 2-2.5 घंटे है। हाँ, पुलाव खा के आ जाएंगे, मोटर वे पे जाएंगे, चपड़ी कबाब पुलाव, क्या वो खा के आएंगे, घूम लेंगे, 2-3 घंटे का ट्रिप करके आ जाएंगे, 2-3 घंटे वहाँ घूमेंगे और 2-2 घंटे उधर भी। शब्द देखो, आना जाना कैसे पहुँचना है कि शाम मगरिब से पहले, तो पहले दिन करना पड़ेगा, जिस दिन हम पहुँचते हैं उससे अगले दिन पिशावर से होके आ जाए, फिर हमारे पास पूरा एक और दिन होगा लंबा ट्रिप फिर शुरू। हाँ, वो अच्छा ट्रिप। तो ऐसा करेंगे ना, जिस दिन इस्लामाबाद पहुंचते हैं ना उसके अगले दिन चले जाएंगे पिशावर,
फिर समझे आपने, और दिन है हमारे तो पास, हमारे पास तीन रातें हो गई ना इस्लामाबाद में, हमारे पास तीन रातें हो गई ना, अवेलेबल है हमारे पास टाइम से। अबे इस्लामाबाद से वो कितना लगा था, सादकाबाद से इस्लामाबाद दिन भर लगाओ, 12 घंटे समझ लो, वो तो दिन भर है, 12 घंटे दिन भर की ड्राइव है वो, इस्लामाबाद से सादकाबाद 12 घंटे, सादकाबाद से कराची 12 घंटे, वही 8 फिर इस्लामाबाद से जल्दी निकलना होगा 8 बजे, जैसे हम पहले निकले थे वहां से। हां हो गया, अब कल देखते हैं ना करीमाबाद में, रुक जाते करीमाबाद में, डिपेंडिंग हमें अगर जगह मिले, जगह तो मिल जाएगी, जगह क्यों नहीं मिलेगी, जगह मिल जाएगी वहाँ बतेरे अच्छे होटल में, मतलब नॉर्मल जैसे होते हैं, जगह मिल जाएगी। करीमाबाद कितना, मतलब अगर चिपरसन में आप रह के आ सकते हैं तो फिर तो कहीं भी रह सकते हैं ना। हाँ तो यहीं पे रह लो,